दुनिया में अजीब और रहस्यमय चीज़ों के लिए लोग हमेशा से आकर्षित रहे हैं। सभी डरावनी कहानियाँ कल्पना पर आधारित नहीं है और कुछ वस्तुएं जो उन कहानियों को बेहद डरावना बनाती है वास्तव में आज हमारी दुनिया में मौजूद है। इस दुनिया में कई शापित वस्तुएं हैं, तो आज मैं आपको 5 शापित वस्तुओं के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 5, दी घोस्टली मिरर एट मर्टर्स प्लांटेशन। ये जगह अमेरिका के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस जगह पे जो सबसे हॉन्टेड चीज़ है वो है एक शीशा। कहा जाता है कि सारा वुड्रॉफ और उसकी 2 बेटियां आज भी उस शीशे में कैद है, जिन्हें क्लेई नाम के एक नौकर ने केक में जहर देकर उनको मार दिया था। परंपरा के अनुसार जब भी कोई मरता है घर के सारे शीशे को ढक देना चाहिए, लेकिन उस दिन एक शीशा खुला रह गया था जिसके कारण सारा और उसकी बच्चियों की आत्मा उस शीशे में कैद हो गई। और कहा जाता है कि आज भी शीशे में बच्चों के हाथों के निशान दिखते हैं। नंबर 4, दी कर्स्ड पेंटिंग ऑफ दी क्राइंग बॉय। ये पेंटिंग पहली बार 1950 में गियोवानी ब्रागोलिन द्वारा बनाई गई थी। ये पेंटिंग एक सीरीज का हिस्सा है जिसमें बच्चों को रोता हुआ दिखाया गया है और बाद में इस सीरीज की 50,000 कॉपियाँ बिकी। पर जिसने इस पेंटिंग की कॉपी को खरीदा उसके घर में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। 1985 में टैबलॉइड न्यूज़पेपर, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, उसमें एक खबर छपी जिसका हेडलाइन था ब्लेजिंग कर्स ऑफ द क्राइंग बॉय, जिसमें मे एंड रॉन हॉल में लगे आग की घटना के बारे में बताया गया था। उस जगह में भी उस पेंटिंग की एक कॉपी मौजूद थी। न्यूज़पेपर में बताया गया कि घर में लगे आग के कारण घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं जली, जो कि था वही पेंटिंग। उसी न्यूज़पेपर में एक फायर फाइटर का बयान लिया गया जिसके मुताबिक उसने कम से कम 15 घरों की आग बुझाई थी। और अजीब बात यह थी कि हर घर में वो पेंटिंग मौजूद था, और उससे भी अजीब बात यह थी कि घर में सब कुछ जल गया था सिवाय उस पेंटिंग के। तब से ये पेंटिंग शापित माने जाने लगी। लेकिन ये पेंटिंग शापित क्यों है? कहा जाता है कि शायद ये बच्चा किसी आग में मारा गया हो, लेकिन असली बात क्या है ये किसी को नहीं पता। नंबर 3, वैलेंटिनोस कर्स्ड रिंग। रुडोल्फ वैलेंटिनो, जो कि एक अमेरिकन एक्टर थे, उन्होंने 7 साइलेंट फिल्म्स की है। उसके आखिरी 2 फिल्म्स रिलीज होने से पहले सैन फ्रांसिस्को के एक ज्वेलरी स्टोर में एक सिल्वर रिंग जिसमें एक बहुत ही कीमती पत्थर लगा हुआ था, वैलेंटिनो को वो रिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जब वो उसे खरीदने गया तब दुकानदार ने कहा कि ये रिंग हॉन्टेड है, लेकिन ये सुनने के बाद उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई और उसने उस रिंग को खरीद लिया। जब उसकी एक फिल्म दी यंग राजा की शूटिंग चल रही थी तब उसने उस रिंग को पहना था और वो मूवी सुपर फ्लॉप निकली। उसके बाद उसने अपनी आखिरी मूवी दी सन ऑफ सिक में उस रिंग को पहना था। उसके तुरंत बाद ही पेरिटोनिटिस नाम की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद वह रिंग पोला नेगरी नाम के एक एक्ट्रेस के पास गया, जो कि वैलेंटिनो की सबसे नज़दीकी दोस्त थी। उस रिंग के पहनने के थोड़े दिन बाद ही वो बीमार पड़ गई, लेकिन वो थोड़े दिनों के बाद ही ठीक हो गई, लेकिन वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाई। बाद में वो रिंग रूस कोलंबो के पास गई, जो कि पोला नेगरी की छोटी बहन थी, लेकिन बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद वो रिंग उसके दोस्त जय कसिनो के पास गया, जिसने उस रिंग को एक ग्लास केस में रख दिया था। लेकिन उसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी उस रिंग को पहनने की, जिसके कारण एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वह रिंग कसिनो के भाई डेल के पास पहुंचा, जिसने कुछ समय तक उस रिंग को पहनने के बाद सेफ्टी में रख दिया, लेकिन जेम्स विलिस नाम के एक चोर ने उस रिंग को चुरा लिया।
लेकिन बाद में एक पुलिसमैन ने उसको मार दिया और फिर से उस रिंग को कसिनो के भाई को वापस दे दिया। उसके बाद एडवर्ड स्मॉल नाम के एक डायरेक्टर ने उस रिंग को खरीदा क्योंकि उसे वैलेंटिनो के लाइफ के ऊपर एक मूवी बनानी थी। सेट में ट्रायल के लिए उस रिंग को जैक डन नाम के व्यक्ति को पहनाया गया, लेकिन एक रेयर ब्लड डिजीज के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज भी वो रिंग लॉस एंजलस नाम के एक बैंक में डिपॉजिट बॉक्स में रखा हुआ है। नंबर 2, द चेयर ऑफ डेथ। माना जाता है कि यह कुर्सी थॉमस बस्बी नाम के एक व्यक्ति का था जो कि इंग्लैंड में रहता था। उसका एक साथी था जिसका नाम डैनियल था। ऐसा माना जाता है कि दोनों नकली सिक्के बनाने का अवैध काम करते थे और हर शाम एक साथ बैठकर शराब पिया करते थे, और थॉमस कुर्सी पर बैठकर ही शराब पिया करता था क्योंकि उसे उस कुर्सी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। अगर कोई उसके कुर्सी पर बैठता तो उसे वो गिरा दिया करता था और लड़ने लग जाता था। साल 1702 में थॉमस और डैनियल एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे और शराब के नशे में थॉमस डैनियल से कहता है कि वो उसकी बेटी से प्यार करता है। ये सुनकर डैनियल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और दोनों के बीच मार पिटाई शुरू हो जाती है, और इसके चलते डैनियल ज़बरदस्ती बस्बी के कुर्सी पर बैठ जाता है। और यह देखकर थॉमस बस्बी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्से के मारे वो डैनियल का गला दबाकर मार देता है, जिसके कारण थॉमस बस्बी को फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है। जिस दिन उसकी फांसी थी उस दिन उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तब थॉमस कहता है कि उसे आखिरी बार अपनी कुर्सी पर बैठना है और उसकी यह इच्छा पूरी कर दी जाती है। लेकिन थॉमस बस्बी उस कुर्सी पर बैठने के बाद बोलता है कि उसके मरने के बाद जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद से यह कुर्सी श्रापित हो गई। इसके बाद एक कर्मचारी काम से थककर उस कुर्सी पर बैठ गया था। इसके कुछ दिनों बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ सैनिक मजाक मस्ती में इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वे लड़ने जाते हैं लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आए। यह सब घटना के बाद इस कुर्सी को एक म्यूज़ियम को दे दिया जाता है और यह कुर्सी आज भी उस म्यूज़ियम में है, लेकिन इस कुर्सी को 5 फीट ऊपर लटका दिया गया है जिससे कोई इस कुर्सी पर बैठ ना सके। नंबर 1, एनेबेला द पोजेस्ट डॉल। एनेबेला एक शैतानी गुड़िया है और इसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट माना गया है, इसलिए आज भी ये डॉल फॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम में है। इस डॉल के ऊपर 2 मूवी भी बनी है जिनका नाम है द कॉन्ज्यूरिंग और एनेबेला। एड और लॉरेन वॉरेन जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उनके मुताबिक पहली बार ये डॉल एक मेडिक स्टूडेंट डोना को मिला था। उसको उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर वो डॉल गिफ्ट के तौर पर दी थी, वो भी 1970 में। लेकिन ये डॉल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव करती थी, जिसके कारण डोना ने एक प्रीस्ट को बुलाया था जिन्होंने कहा कि इस डॉल में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनेबेला हैगिन्स है। सीलिया डोना और उसके एक रूममेट थी जिसका नाम था एनजी, दोनों ने उस डॉल को रखा, लेकिन फिर से वो वैसे ही स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगी और उन्हें नुकसान पहुंचाने लगी। इसलिए उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया था। वॉरेंस की माने तो उस डॉल में किसी छोटे बच्चे की नहीं बल्कि एक खतरनाक डीमन या शैतान का बसेरा था, जिसके कारण वॉरेन ने उसे अपने म्यूजियम में लेकर गए और उस डॉल को एक स्पेशल कांच के बॉक्स में रख दिया। लेकिन फिर भी उस डॉल की ताकत कम नहीं हुई। एक बार उस म्यूजियम में एक मोटरसाइकिलिस्ट अपने गर्लफ्रेंड के साथ गया और उसने एनेबेला का मजाक उड़ा दिया।
उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने बाइक में जा रहा था। उसके बाद उसके बाइक का एक पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उस लड़के की तो मृत्यु हो जाती है पर वो लड़की बच जाती है। लड़की का कहना था कि वो लड़का रास्ते में भी उस डॉल का मजाक उड़ा रहा था, इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इससे हमें ये पता चलता है कि वो डॉल आज भी बहुत ही ज़्यादा श्रापित है और शक्तिशाली भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल स्टोरीज एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियोस की हर लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर अगला वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।